भारत की ग्लैमरस और पावर कपल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी तय हो जाने की खबरें या कहिए अफवाहें। जी हाँ, बुध की शाम ये खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर आंधी तूफान की तरह आईं और छाती चली गईं। जिसे देखो जहाँ देखो बस एक ही मौजू था, दोनों की शादी और खानाबादी। लेकिन दोनों मेगा स्टार्स के पुरसितारों के अरमानों पर उस वक्त औस पड़ी जब अनुष्का शर्मा की मैनेजर मोनिका भट्टाचार्य ने शादी की खबरों की तरदीद की। मोनिका का कहना था इन्हें ऐसी किसी चीज का इल्म नहीं। भारत के बड़े मीडिया ग्रुप जैसे इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स और दीगर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि बैंड बाजा बारात गढ़ अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी की तकरीबात दिसंबर को इटली के शहर मिलान में होंगी, जिसमें करीबी दोस्त और रिश्तेदार शरीक होंगे। रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया कि अनुष्का और विराट के खानदान वालों और दोस्तों ने इटली के लिए टिकट्स भी बुक करवा लिए हैं और मारूफ डिजाइनर सव्यासची मुखर्जी अनुष्का का शादी का जोड़ा डिजाइन कर रहे हैं। ये अफवाहें हो या हकीकत, सच तो ये है कि दोनों की जोड़ी अवाम में बहुत मकबूल है और दोनों जहाँ जाते हैं तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। हैंडसम विराट और खूबसूरत अनुष्का को देखकर हर कोई यही कहता है कि रब ने बना दी जोड़ी। ये पहला मौका नहीं है जब दोनों की शादी की अफवाहें उड़ी हो, बल्कि गुज़श्ता साल दिसंबर के महीने में जब दोनों के एक साथ छुट्टियां मनाने की खबरें आईं, तो ये अफवाहें भी गर्दिश करने लगी कि दोनों की मंगनी हो गई है। हर जगह हर महफिल में साथ साथ नजर आने वाले अनुष्का और कोहली की लव स्टोरी इतनी भी ज्यादा नहीं, बल्कि रोलर कोस्टर राइड रही है। साल 2013 में एक कमर्शियल में काम के दौरान दोनों के रोमांस का आगाज हुआ। 2016 में कुछ अरसे के लिए दोनों की राहें जुदा हुई, लेकिन मुख्तसर वक्फे के बाद फिर दोनों एक हो गए। अनुष्का शर्मा के मीडिया के सामने मोहतात रवैये के बरअक्स कोहली ने हमेशा अपने और अनुष्का के ताल्लुक के बारे में खुलकर बात की है और वो अनुष्का की तारीफ का कोई भी मौका जाने नहीं देते। एक टीवी शो में विराट अनुष्का शर्मा को अपनी लेडी लक भी करार दे चुके हैं। दोनों के लाखों पुरस्कार अपने फेवरेट स्टार की जानिब से शादी की खुशखबरी के लिए बेचैनी से मुंतजर हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी मजीद खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।